जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रिया, रिया, अभी कुछ मत कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगी, मुझे सुनना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी तारीफ सुननी है कि आपने रिपोर्ट बचा के बहुत महान काम किया है तो ठीक है, ब्रावो, वेल डन बुजी, वेल डन। आप रिपोर्ट बचा सकती है, आप मेरी लाइफ नहीं बचा सकती। जब रणवीर ही मेरे साथ नहीं है तो उस रिपोर्ट का क्या करूंगी मैं। हाँ, लेकिन अगर रणवीर मुझसे प्यार करता, मेरे साथ रहता, तो रिपोर्ट बचाने का कोई मतलब भी बनता। लेकिन रणबीर का हाथ ही मेरे हाथ में नहीं है, तो वो रिपोर्ट किसी के भी हाथ में चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। Just look at me, बूजी, just look at me. अकेली पड़ गई हूँ मैं बूजी, अकेलेपन में जी रही हूँ, अकेले सबसे लड़ रही हूँ। अकेलेपन ने ना मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा है मुझे। जब उस प्राची को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, I'm worthless. जब मैं अपने रणबीर को प्राची के साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में जी ही क्यों रही हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। But don't get me wrong, I know I'm beautiful, I know I'm intelligent, I know I'm smart, I know I'm perfect. आपको पता है कॉलेज में सब मुझे और रणबीर को बेस्ट कपल कह के बुलाते थे, बेस्ट कपल। God damn it, लेकिन जैसे ही वो प्राची हमारी लाइफ में आई है ना, बेस्ट नाम का वर्ड ही चला गया है। बेस्ट कपल, बेस्ट लाइफ, कुछ नहीं रहा। खुशी छोड़िए, अब तो मेरी लाइफ में सुकून भी नहीं रहा। ऐसे लगने लगा है जैसे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं बचा, या शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। Just shut up, Priya. Just shut up and stop pitying yourself. तुम सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छी, और तुम्हारी लाइफ में कोई हो या ना हो, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कैसे पूछी, कैसे करूं? मेरी लाइफ रणबीर के साथ जुड़ी है, और रणबीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल करूं? यू नो, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। हाँ, कभी कभी बात कर लेता है, ख्याल रखता है, पर इसका गलत मतलब मत निकालना। वो ये सब या तो मौत या प्राची के कहने पे करता है, खुद से नहीं। नहीं रिया, नहीं, इतना भी लो फील मत करो। तुम सबसे हटकर हो, इन सब सारी चीजों से बढ़कर हो। And don't forget, रिया कोहली से पहले तुम रिया अभिषेक प्रेम मेहरा हो, उस बाप की बेटी हो जिसने जो चाहा वो पाया, उस खानदान से हो जो कभी नहीं हारता। यू आर अ बॉर्न विनर रिया, मेरी तरह, अपने पापा की तरह। तुम्हें भी वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो रिया। मुझे सिर्फ रणबीर चाहिए, और रणबीर मेरी तरफ देखता तक नहीं है, उसकी नजर तक नहीं पड़ती मेरी तरफ। तो ठीक है, ठीक है, रणबीर की नजरों से प्राची को हटा देते हैं। कल दिवाली का दिन है, मतलब कि टाइम आ गया कि प्राची इस घर से ही नहीं, उसे इस दुनिया से भी जाना होगा। अब क्या बोल रही है? कल दिवाली है, कल सब बताती हूँ। प्राची के साथ दिवाली के दिन क्या करने वाली? प्राची, क्या हुआ? मिला? हाँ मिला, लेकिन क्या? लेकिन प्राची, जैसे ही वो लिफाफा मेरे हाथ में आया ना, मैं उसको लेकर रूम में गई और मैंने ना खोला, फिर मुझे लगा कि दरवाजा खुला है, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ कोई रूम में ना आ जाए। जैसे ही मैं गई दरवाजा बंद करने, वो लिफाफा खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं। ऐसे कैसे खाली हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ऐसे कैसे खाली हो सकता है? जब मैं गई थी तब वो लिफाफा बंद था, रूम में अकेली थी, कोई आया नहीं, दरवाजा बंद था, फिर पता नहीं कैसे। देख, अगर कुरियर वाला वो लेके आया है तो डेफिनेटली उसमें रिपोर्ट्स तो होंगी ना, या फिर हो सकता है कि जब वो आया तो वो ऑलरेडी खुला हुआ था और तुझे पता ना चला हो। तू टेंशन में थी ना, तूने शायद से ठीक से देखा नहीं हो, पर उसमें ही होना चाहिए ना। पता नहीं प्राची, देख, हो सकता है कि वो लिफाफा हमारे पास है और उसके अंदर की जो रिपोर्ट है वो किसी और के पास है। व्हाटएवर इट इज, चल ना, हम पता लगाते हैं, चल, कुछ मिल जाएगा, चल।
सॉरी मैंने आपको इंतजार कराया, लेट तो नहीं हुआ ना? ग्राहक लेट भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन जो कारीगर काम करते हैं वो लेट नहीं होना चाहिए। काम टाइम पे हो और अच्छा हो, तभी तो काम के पैसे अच्छे मिलते हैं। मतलब कि काम हो जाएगा और वो भी टाइम पे? मैडम मेरा सारा काम ही टाइम का है। उस दुपट्टे को पहनकर जो भी आग के पास गया, समझो वापसी का रास्ता बचेगा ही नहीं। वापसी करनी भी नहीं है, मैंने जो एक बार प्लान बना लिया ना, उससे पीछे मैं नहीं हटती। मैं बस चाहती हूँ एक बार जिसने वो दुपट्टा ओढ़ लिया, उसके बाद सीधा कफन ही उड़े। लोग कपड़ों में रेशम की कारीगरी कराते हैं, मैं बारूद की कारीगरी करूँगा। और बारूद उस दुपट्टे में इस तरह से लगाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चले। और वो दुपट्टा पहन के दिए के पास जो भी गया, तो समझो वो दिया उसकी चिता बन जाएगा और आग की लपटों में जलकर वो मर जाएगा। तो फिर कर दीजिए आपकी कारीगरी और मेरी चिंगारी, फिर तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। सब वेटर्स को भेज दिया, थोड़ी देर तो रुकना चाहिए था ना। क्या हुआ मैम, कुछ चाहिए आपको? प्रिया वो कोई पेपर्स दिखे ना तो बताना। पेपर? ओके ओके मैं देखा। हाँ गुड। ये क्या कर रहे? मिल गया मिल गया, पेपर्स मिल गए। हाँ दिखा दिखा दिखा। ये नहीं पेपर ही तो है। हाँ पर ये टिश्यू पेपर है ना। पेपर तो पेपर होता है। अच्छा अगर तुम्हें न्यूज़पेपर मिलेंगे तो वो लाके दे दोगी? नहीं ना। फिर कौन से पेपर चाहिए हमें? वो पेपर चाहिए जिसपे हॉस्पिटल लिखा ऊपर, या फिर रिया का नाम हो, मिसेस रिया कोहली, रिया कोहली, रिया मेहरा, रिया का नाम हो बस। ठीक ओके। अच्छी चल ना, हम टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं, हम ढूंढते ना यहीं कहीं मिलेंगे। चल देख तू वहां देख, मैं यहां देखती हूं। शाना के हाथ में तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे वो रिपोर्ट लेते हुए देख लिया। विक्रम कुछ बोलना चाहते थे तुम मुझसे? अगर तुम सुनने के मूड में हो और सुन के उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहती हो तो हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। पल्लवी मुझे लगता है कि शायद हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं मतलब कुछ केसेस में जल्दबाजी अच्छी होती है, लेकिन इस काम के लिए नहीं। आई थिंक हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं पल्लवी। विक्रम आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन विक्रम पल्लवी तुमने कहा ना तुम मेरी पूरी बात सुनोगी, तो प्लीज मेरी पूरी बात सुनो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।